नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान विषय से अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है न्याय, न्याय के सिद्धांत। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक शब्द आया है न्याय। तो न्याय के बारे में आप सामान्यतः आपकी जानकारी होगी कि देखो कोर्ट कचहरी में होने वाला न्याय या फिर समाज में है ना अत्याचार के विरुद्ध न्याय, तो ये तो है ही। लेकिन यहाँ पर आपके जो बुक है, पुस्तक है, उसमें जो न्याय के सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई वो बहुत ही व्यापक और बड़े विस्तार में की गई कि भाई एक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के लिए न्याय क्या है, एक राज्य का राज्य में रहने वाले समस्त नागरिकों के लिए न्याय क्या है। ठीक है, तो न्याय का जो इंग्लिश में जो शब्द होता है मतलब होता है उसका नाम है जस्टिसिया। तो न्याय को बोलते हैं जस्टिस, और जो लैटिन भाषा में इसे बोलते हैं जस्टिसिया। तो जस्टिसिया का मूल जो अर्थ होता है वह होता है बांधना या जोड़ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे न्याय का वास्तविक शब्द का अर्थ क्या है, किसी को बांधना या जोड़ना। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जिस समाज में रहते हैं तो आपको एक बना बनाया समाज मिला है। अगर हम सभी महाद्वीपों की बात करें और दुनिया के समस्त देशों की बात करें तो आप देखेंगे दुनिया के में लगभग 99% या 99.9% भाग पर सभ्य समाज निवास करता है। पर हजारों साल पहले अगर हम देखें तो ऐसा नहीं था, है ना। तो अधिकांश स्थानों पर बर्बर समाज था, लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है पता नहीं था। तो बर्बर समाज में जब हम थे तो न तो हमारी ज़िंदगी की कोई भरोसा था, न ही हमारी ज़िंदगी कोई सुरक्षा थी, और न ही हमारे जो जान माल या संपत्ति, हमारी जो प्रॉपर्टी उसकी कोई सुरक्षा थी। मतलब बर्बर समाज में ऐसा माहौल था कि अगर आप आज जीवित हैं तो थोड़ी देर पहले हो सकता है कि कोई आपको मार दे और आपकी संपत्ति मतलब खाने पीने की चीज़ हो गई या कोई अन्य संपत्ति हो गई वो आपसे लूट ले। तो एकदम अराजकता का माहौल था। लेकिन कालांतर में फिर धीरे धीरे हम मनुष्य होने के नाते मनुष्य जाति ने क्या किया, विकास किया। विकास करते करते एक उन्नत समाज का निर्माण किया, और ये जो समाज है या विभिन्न प्रकार के राज्यों का निर्माण हुआ। तो राज्य कैसे खुशहाल हो, राज्य में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो, कैसे सब आराम से स्वतंत्रतापूर्वक जी सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक लंबी कहानी है, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारा जो देश है भारत, तो वो दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ पर प्राथमिक स्तर पर सभ्य समाज का निर्माण हुआ। जैसे कि भारत के समेत दूसरे देशों की बात करें, दूसरे स्थानों की बात करें, तो यूनान देख लो, चीन देख लो, मिस्र देख लो, है ना, ईरान, इराक का जो दजला फरात का स्थान है वह देख लो। तो ये कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर प्राथमिक स्तर पर क्या हो गया कि सभ्य समाज की स्थापना हुई। तो अभी वर्तमान में प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप देशों की तुलना करें तो जहाँ पर न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, राज्य अपने नागरिकों के साथ उचित न्याय करता है, तो वो देश हैं, वो उन्नत हैं, खुशहाल हैं, विकसित हैं, आगे हैं, और वहाँ के निवासी आराम से जी रहे, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे। और जहाँ पर न्याय नहीं है वहाँ पर आप देख लो तो वहाँ पर है अराजकता का माहौल है, मारपीट का माहौल है, आतंकवाद है, लड़ाइयाँ है, हाँ लोग परेशान है, त्राहिमाम हो रहा है। ठीक है, तो न्याय आप देख सकते हैं कि न्याय का कितना महत्व है। एक सभ्य समाज, खुशहाल समाज या उन्नत देश के निर्माण में न्याय का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अध्याय में भारतीय विद्वानों के बारे में भी लिखा है और पाश्चात्य विद्वानों के बारे में भी लिखा है। तो विशेषकर जो पाश्चात्य विद्वान में देखें तो यूनान नामक देश में बहुत बड़े पाश्चात्य दार्शनिक हुए। ठीक है, वहाँ पर एक गुरु परंपरा चली आई थी। तो जैसे कि हम बात करें कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुकरात। तो सुकरात अपने समय के बहुत बड़े गुरु थे, और उन्होंने समाज को समझा, राज्य को समझा, राज्य के कर्तव्य के बारे में बताया, व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में बताया। और सुकरात का ही एक शिष्य था प्लेटो। तो आपके अध्याय में प्लेटो का जिक्र है, प्लेटो के बारे में हमें पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्लेटो था वो बहुत बड़ा गुणी था, और मानव शास्त्र और राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र का वह बहुत बड़ा ज्ञानी था। जैसे अभी देखो तो अरब के लोग प्लेटो को अफलातून के नाम से जानते हैं। तो अफलातून कोई और नहीं, आपने भी ये शब्द सुना होगा अफलातून, है ना। तो अफलातून कोई और नहीं, हमारा ये प्लेटो ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्लेटो ने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तक लिखी, है ना। इसके जो गुरु थे सुकरात, उन्होंने
केवल बोला बताया लेकिन अपने बारे में कुछ लिखा नहीं, है ना। बहुत बड़ी ज्ञान की बातें उन्होंने बताई लेकिन उन्होंने कोई पुस्तक अपने जीवन में लिखी नहीं। लेकिन इनका जो शिष्य था प्लेटो, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें लिखी और एक पुस्तक है जिसका नाम है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक पुस्तक में उन्होंने न्याय के बारे में विस्तृत रूप से समझाया कि भाई देखो राज्य के लिए नागरिकों के लिए न्याय क्या है, ठीक है। तो ये जो दार्शनिक लोग हैं वह लगातार चिंतन करते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं और किसी समस्या को पकड़ते हैं और समस्या को पकड़कर उस पर तर्क वितर्क करते हैं और चिंतन के बाद, है ना, लंबे समय के चिंतन के बाद एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमारी मनुष्य का जीवन खुशहाल होगा और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारा नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, मनुष्य का नुकसान हो, प्रकृति का नुकसान हो, ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। तो प्लेटो ने भी विस्तृत अध्ययन किया और अपनी पुस्तक रिपब्लिक में उन्होंने एक बात बताई कि मनुष्य जब जन्म लेता है, मनुष्य जब पैदा होता है उसमें जन्मजात रूप से तीन प्रवृत्तियां होती है। उन्होंने बताया कि तीन प्रवृत्तियां होती है, पहली है विवेक और बुद्धि। तो जो पहली विवेक और बुद्धि होती है वह मनुष्य के मस्तिष्क से आती है, ठीक है। और दूसरी जो प्रवृत्ति है वह है शौर्य, है ना, और जो ताकत यहाँ से हाथों से आती है। और तीसरी उन्होंने प्रवृत्ति बताई तृष्णा की या उत्पादकता की, जो कि पेट से आती है। तो इस तरह से उन्होंने एक मनुष्य के बारे में एक पूरा चित्रण उन्होंने किया और फिर उन्होंने कहा कि देखो राज्य का कर्तव्य है, समाज का यह कर्तव्य है कि मनुष्य की इन तीन जन्मजात प्रवृत्तियों को समझे, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से ये तीन प्रवृत्तियाँ होती है, लेकिन वह जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र निकालता है, तो इन तीन प्रवृत्तियों में से कोई एक प्रवृत्ति उसकी हावी होती है। मतलब कोई एक व्यक्ति है मान लो, तो उसके अंदर ये तीन प्रवृत्तियाँ हैं, तो उसमें एक व्यक्ति है ए नाम का, एक व्यक्ति है उसमें बुद्धि और विवेक अधिक हो गया, ठीक है। तो और दूसरा व्यक्ति मान लो बी व्यक्ति है, उसमें शौर्य अधिक है, और मान लो तीसरा व्यक्ति है सी व्यक्ति है, तो उसके अंदर ये तीन जन्मजात प्रवृत्तियाँ थी, लेकिन इन तीनों में से उसमें तृष्णा का भाव अधिक है या उत्पादकता का भाव अधिक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्लेटो ने यही बताया कि मनुष्य को उसके मन का करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से उसकी जो इच्छा है वो करने देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विवेक और बुद्धि जिसमें अधिक है उसको प्रशासक के काम देने चाहिए, शासक वर्ग के काम देने चाहिए। जिस व्यक्ति में शौर्य अधिक है उसको सैनिक क्षमता का कोई काम देना चाहिए या साहसपूर्ण जो कार्य है वो उसे करवाना चाहिए। और जो व्यक्ति जिसमें तृष्णा अधिक है या फिर उत्पादकता अधिक है, तो उसे जो मेहनत वाले काम होते हैं, खेती बाड़ी हो गया, व्यवसाय हो गया, दूसरे अन्य जो कार्य हैं वो कराने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, उस जमाने में उसने एक बहुत ही सटीक बात कही। तो उसका कहने का मतलब ये था कि अगर हम मान लो कि कोई व्यक्ति है, मान लो कि कोई दर्जी का लड़का है, है ना, और दर्जी का काम मूल काम होता है कि कपड़े सीना, और चूंकि इसके पिता दर्जी हैं और पुत्र है, तो प्राचीन समय में दुनिया के अधिकांश देशों में, यहाँ तक कि हमारे देश में भी ऐसा ही होता था कि जाति आधार पर काम होते थे, और चूंकि उस लड़के के पिता दर्जी हैं तो लड़के को भी कपड़े सिलने, और समाज का दबाव था उस पर, परिवार का दबाव था, चारों तरफ से दबाव था कि देखो उसको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में सर्वाइव करना है, लंबी पूरी ज़िंदगी उसको जीनी है, तो उसे अपने पिता का कार्य, पुश्तैनी कार्य करना होगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो हो सकता है कि वह बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पर उसको क्या कर दिया हम लोगों ने कि उसको मजबूर कर दिया कि वह अपने पिता का कार्य करे, मतलब यानी कपड़े सिले, लेकिन हमने उसकी क्षमताओं को नहीं पहचाना कि हो सकता है उस बालक में दर्जी का काम छोड़कर हो सकता है कि बहुत बड़ा सैनिक बन सकता था, बहुत बड़ा लेखक बन सकता था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि भाई उसकी जो योग्यता है वह हमने दबा दी और उसको कपड़े सिलाने हमने बिठा दिया, ठीक है। तो हम उसकी जो योग्यता है उसका तो हमको कोई फायदा ही नहीं मिला, हमारे राज्य को कोई फायदा ही मिला नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर दिया कि भाई हमने उसकी सेवा, हमारा जो मनुष्य होने के नाते या राज्य होने के नाते उसकी सेवा लेने से राज्य वंचित हो गया, मनुष्य वंचित हो गया, और एक हमने क्या कर दिया, प्रतिभा का नाश कर दिया। तो प्लेटो ने इसी बारे में चिंतन किया और बताया कि मनुष्य को जन्मजात जो प्रवृत्तियां होती हैं उसे करने दिया जाए, ठीक है। अब
दूसरी बात उसने प्लेटो ने बताई कि देखो जन्मजात प्रवृत्तियों का पता कैसे चलेगा। तो उसने फिर शिक्षा का शिक्षा पे महत्व दिया कि समस्त लोगों को शिक्षा दी जाए, ठीक है, और फिर धीरे 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 वो शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे तो फिल्टर होते जाएंगे यहाँ पे, है ना। जिसको पढ़ाई लिखाई में रुचि होगी तो वह लंबे समय तक पढ़ेगा। और प्लेटो ने अपने जीवन में, उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताया कि जो शासक वर्ग है या जो जिसमें बुद्धि अधिक है, विवेक अधिक है, तो उसको लगभग 35 वर्ष तक उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उस जमाने में उसने बहुत ही लंबी शिक्षा की व्यवस्था की थी और लगभग 35 वर्षों तक शिक्षा देने की बात उसने कही। और फिर यहाँ पर अधिकांश लोग हैं वो पढ़ने लिखने आएंगे तो फिल्टर हो जाएंगे, जिसको पढ़ने में रुचि होगी तो वह 35 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करेगा, और जब वह 35 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करेगा तो वह ज्ञानी हो जाएगा, और ज्ञानी होने के बाद वह देश के और अधिक काम आएगा। तो देश के अधिक काम आने के लिए शासक या प्रशासक का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे व्यक्ति को उसने कहा कि ऐसे लोगों को शासक के कार्य या शासक वर्ग के कार्य देने चाहिए, ठीक है। और दूसरे जो लोग हैं जिनको पढ़ने में रुचि नहीं है, जो शौर्य जिनमें अधिक है वो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ाई अपने आप छोड़ देंगे, तो उनको शौर्य वाला काम दिया जाए, और जिसमें तृष्णा अधिक है वो भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और फिर पढ़ाई वढ़ाई में चूंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, है ना, उनकी रुचि नहीं है, तो वो पढ़ाई छोड़कर दूसरे कामों में लगेंगे। तो इस तरह से मनुष्य को अपने मन का करने दिया जाए, है ना, उसके अंदर प्राकृतिक गुण जो है वो करने दिया जाए तो वो और अधिक हमारे समाज के काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इस तरह से तीन बातें बताई, है ना, विवेक बुद्धि, और दूसरा है शौर्य, और तीसरा है तृष्णा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो अगले विद्वान है उनका नाम है अरस्तु। तो ये अरस्तु थे, वह प्लेटो के शिष्य थे, और अरस्तु भी अपने जमाने के बहुत ही मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, महान दार्शनिक, और जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने कुछ न कुछ दिया, हिंदी में भी, गणित में भी, विज्ञान में भी, है ना, तो बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे ये। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एथिक्स। तो एथिक्स में उन्होंने न्याय के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है, और फिर अरस्तु तक आते आते उन्होंने और गहरा चिंतन किया, और अधिक समाज को समझा, और फिर उन्होंने बताया है कि न्याय के दो गुण बताए हैं, एक तो है कि वितरणात्मक, और ये जो वितरणात्मक न्याय उन्होंने कहा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर वितरणात्मक ने वितरण करना, बांटना, तो क्या बांटना, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि भाई मान बांटना, सम्मान बांटना, पद बांटना, प्रतिष्ठा बांटना, संपत्ति प्राप्त करने के अवसर बांटना, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि वितरणात्मक न्याय, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको आप पैसा कमाने से रोक नहीं सकते, कोई व्यक्ति बिल्कुल समाज के अंतिम पायदान पे और आपको उच्च स्थान तक, है ना, जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हो गया या मुख्यमंत्री हो गए या कलेक्टर हो गए, तो यहाँ तक आप जाने से रोक नहीं सकते। तो समाज में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, और सबको समान अवसर दिया जाना चाहिए। और फिर ये जो वितरण कैसे होगा, राज्य द्वारा होगा तो वितरण कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई योग्यता के आधार पर वितरण होना चाहिए। तो अगर आप सबको, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, सबको समान शिक्षा देंगे, ठीक है, तो जब सभी राज्य में रहने वाले सभी लोगों को समान शिक्षा दी जाए तो जो योग्य होगा, है ना, वह अपना स्थान प्राप्त कर लेगा। जैसे मान लो कि कोई पढ़ाई में होशियार हो तो हो सकता है वो कलेक्टर बन जाए, ठीक है, चाहे वह गरीब बैकग्राउंड से आया हो, कोई व्यक्ति है चाहे वह उसके पास उसके माता पिता व्यापार नहीं करते थे लेकिन वह व्यापार करके बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए, कोई व्यक्ति है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब पढ़ लिख कर वह कलेक्टर बन गया या बड़ा अधिकारी बन गया और हम उसका सम्मान नहीं करें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस तरह से ये सब इन चीज़ों का वितरण होना चाहिए, न्याय पद का, ठीक है, सम्मान का, आदि अवसर का, इन सब का वितरण होना चाहिए। तो इन सब का वितरण होगा तो क्या होगा, राज्य को समान अधिकार मिलेगा, राज्य में रहने वाले लोगों को समान अधिकार मिलेगा, और फिर जो व्यक्ति योग्य होगा तो वह अपना समाज में स्थान बनाएगा, और जब वह योग्यता के आधार पर
आगे बढ़ेगा तो वह देश का और अधिक साथ दे सकता है, ठीक है, अपना योगदान दे सकता है, समाज के लिए बहुत सारा वो कार्य कर सकता है। और हम दबा दबा के कहेंगे कि देखो कलेक्टर का लड़का कलेक्टर, राजा का लड़का राजा रहेगा, तो इस तरह से क्या होता है कि प्रतिभा का हनन होता है। तो उसने वितरणात्मक या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर बहुत अधिक ध्यान दिया, ठीक है, और न्याय पद अवसर आदि का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और योग्यता के आधार पर यह होना चाहिए। और दूसरा उसने पॉइंट बताया है सुधारात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय या करेक्टिव न्याय या प्रतीकात्मक न्याय, ठीक है। तो उसने दूसरा जो न्याय की अवधारणा दूसरी बताई है कि भाई सुधारात्मक न्याय, तो अब मान लो कि यहाँ पर राज्य का कर्तव्य है कि मान लो कोई व्यक्ति है तो संपत्ति वाला बन गया, तो राज्य के कर्तव्य है कि वह संपत्ति की सुरक्षा करे, ठीक है। कोई व्यक्ति है तो बहुत अच्छा सम्मानित पद पर पहुँच गया, तो राज्य का कर्तव्य है कि देखो वो जिस सम्मान के लायक है उसे सम्मान दिया जाए, कोई उसको जाति सूचक या नस्ल सूचक या रंग के आधार पर या किसी अन्य आधार पर उसको अपमानित न करे, ठीक है। तो इस तरह से उसने न्याय की दो अवधारणाएं बताई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगले दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।